हेलो हेलो, आप ठीक है शरद? नाउ इट्स ओके। और इस सेशन में मेरे साथ हैं मेरे पुराने सहयोगी, लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया और मित्र अकुल श्रीवास्तव जी, जिनकी किताब सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का के ऊपर आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। पत्रकारों के लिए कुछ भी लिखना ऐसे तो रोज का काम है, लेकिन अगर किताब लिखने की बात है और वो भी किसी राजनीतिक विषय पे, तो ये बड़ा जोखिम रहता है। एक तो पूरे देश में, क्या मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, पत्रकारों को ऑब्जेक्टिव या अनअटैच्ड, पॉलिटिकली अनअटैच समझा ही नहीं जाता। माना ही जाता है कि पत्रकार हैं तो जो सरकार है उससे तो जरूर जुड़े होंगे, जो रूलिंग पार्टी है उससे जरूर जुड़े होंगे, और नहीं तो जो उसके अलावा बड़ी पार्टियां हैं उससे जुड़े होंगे। तो ऐसे में वो कुछ भी लिखें उसको हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि अच्छा उन्होंने लिखी है तब तो वो उसके पक्ष में होगी या उसके विपक्ष में होगी। तो पत्रकार लिखे तो क्या लिखे, कैसे वो काम करते हैं, कैसे खबरें जुटाते हैं, कैसे अखबार एडिट करते हैं, कैसे खबरें एडिट करते हैं, उसमें तो लिखा नहीं जा सकता, उसमें किसी को क्या रुचि होगी। लोगों की रुचि तो खबरों को पढ़ने में होती है, न कि इसमें कि खबरें बनी कैसे, रात भर दिन भर उन पर काम हुआ कैसे। ऐसे में अकू ने जो विषय चुना है वो बड़ा ही रोचक है और बड़ा, मैं समझता हूँ, टाइमली है, इस सेंस में कि उन्होंने किसी राजनीतिक व्यक्तित्व पे, किसी एक राजनीतिक पार्टी पे और किसी एक राजनीतिक एनवायरमेंट पे ना लिखकर वो विषय चुना जो कि पिछले, मैं समझता हूँ, 3-4 दशकों से भारत की राजनीति पर हावी है, और वो है क्षेत्रीय दलों का महत्व, उनका उतार चढ़ाव, और देश राजनीतिक तौर पे किस दिशा में जा रहा है उसमें उनका योगदान। तो अकू भाई, आपका स्वागत है। तो ये बताइए कि एक पत्रकार और संपादक और बाद में लेखक होने के नाते आप तो बहुत सारे विषयों पे लिख सकते थे, आप इतने इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी घटनाएं आपने देखी, क्षेत्रीय दलों के ऊपर लिखने का विचार आपको क्यों और कैसे आया? बहुत आभार रतन भाई, आप हम लोग साथ काम कर चुके हैं, और ये मूल सवाल जो अभी आपने किया उसके पहले जो आपने एक सेंटेंस कहा था कि लोगों के बारे में पत्रकारों को लेकर के क्या परसेप्शन है, और खास तौर से आपने कही, मुझे लगता है ये 10-12-15 साल में ये ज्यादा डेवलप हुआ, ना कि हमारा जो एक बड़ा कैरियर का हिस्सा था वो बहुत ही हम लोग जिसको चाहते थे उस पे लिखते थे, उस तरह से लिखते थे और जो मर्जी में आया करते थे बिना उसके ध्यान दिए हुए। लेकिन ये पिछले 15 सालों से जो सिलसिला चलता चला आया ब्रांडिंग का, पत्रकारों की ब्रांडिंग का, आप इनके साथ हैं, उनके तरीके से हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत होती, वो ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया। और अब तो हालत ये हुआ है, हमारे सामने प्रधान साहब भी बैठे हुए हैं, ये अकेले वाही रहते होंगे जो डंडा चलाने में पूरी तरीके से माहिर रहे हैं, और अभी भी इनका डंडा चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग उसी तरीके से हैं। दिक्कत उन पत्रकारों के सामने आ रही है क्योंकि अब वो ब्रांडेड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आपको उसी तरीके से डिमांड करता है कि आप भाजपा के समर्थक में हैं या भाजपा के विरोध में। और तो और एक बार पिछले चुनाव के समय मुझसे किसी चैनल का नाम भी बता देता हूँ, लेकिन उस चैनल ने मुझसे कहा कि अगर आपको लिख दें क्या राहुल गांधी विशेषज्ञ, अब ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात थी कि मुझसे ये कहा जाए कि मैं राहुल गांधी का विशेषज्ञ बनूं, बनना हो तो किसी और का बन जाऊंगा, अगर विशेषज्ञ बनना हो पार्टी का कहता तो भी चल जाता है। लेकिन ये आपकी मानसिकता बता रही है कि कैसी मानसिकता हो गई है लोगों में, और लोग क्योंकि लड़ाने भिड़ाने का पूरा खेल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलता है तो इसलिए वो ऐसा होता जा रहा है, और धीरे धीरे वो पेनिट्रेट नीचे की तरफ यानी कि प्रिंट मीडिया पे और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा हो गया। सोशल मीडिया पे अगर आपको फॉलोइंग आपकी अच्छी हुई है तो वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप किसी एक पक्ष से जुड़े हैं नहीं जुड़े, ये एक बात का मुझे लगता है आप सहमत होंगे या और बाकी साथी भी सहमत होंगे। जहां तक सेंसेक्स रीजनल
पार्टी क्षेत्रीय दलों का कहते हैं इसकी किताब की बात है क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, तो उसको लिखने के पहले मैं कुछ और काम कर रहा था और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक दल के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस समय देश की राजनीति, आपको पता होगा इस देश में इस समय जो भाजपा सबसे बड़ा दल है उसके पास राज्यों की 12 राज्यों की सरकारें हैं और दूसरा तरफ 12 क्षेत्रीय दलों के पास सरकारें हैं। कांग्रेस का सबको पता है कि क्या आलम है, 8 देश में जो है वो राष्ट्रीय दल है, लेकिन बाकी दलों के पास में सरकारें बहुत ना के बराबर हैं और कांग्रेस के पास आज की तारीख में तो सिर्फ 2 सरकारें हैं, 2 जगह वो सपोर्ट करके काम चला रहे हैं। तो क्षेत्रीय दलों का महत्व देश की राजनीति पे बहुत ज्यादा है और वो उसके बिना अभी देश की राजनीति को नहीं देखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। और आज आलम इस हद तक है कि जो चाहे क्षेत्रीय दल कितना बड़ा भी हो वो उसको पकड़ने के लिए राष्ट्रीय दल चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो उसके कंधे का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने तय से रखने की कोशिश करती है या और क्षेत्रीय दलों को अपनी तरफ ले आती है, लेकिन बाकी जगह जो हुआ है क्षेत्रीय दलों का वो इतनी तथाकथित रूप से ताकत रखते हैं कि वो सत्ता को कंट्रोल करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, बहुत बढ़िया बड़ी बढ़िया तरीके से आई हुई सरकार है, बड़ी सरकार है, लेकिन अभी भी उनकी इच्छा होती है कि जितने छोटे दल हैं क्षेत्रीय दल हैं वो उनको अपने पास रखा जाए और सत्ता पे पकड़ मजबूत रखी जाए। तो क्षेत्रीय दलों के बारे में लिखने का जो सोचा विचारा गया तो इसीलिए किया गया क्योंकि देश में कोई भी अभी एक ऐसी किताब नहीं थी जो सिर्फ और सिर्फ आजादी के बाद से क्षेत्रीय दलों के इतिहास, उनके बारे में, वो खत्म हो गए रह गए इतने चुनावों के बाद भी उनका कोई हमारे पास लेखा जोखा नहीं था, तो इसलिए वो जब प्रकाशक से बात हुई तो फिर हम लोगों ने उसको तय किया कि इस तरह से इसको किया जाए। तो शायद और मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि क्षेत्रीय दलों का ये एक अभी जब दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ, पटना हुआ, फिर यहाँ बातचीत हो रही है उसको लेकर के, तब तक बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार की जा रही है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इस तरह की पॉलिटिकल किताब लिखने के साथ एक और बड़ा जोखिम जो होता है वो ये कि जब आपने लिखना शुरू किया होगा, जब आप पब्लिशर से मिले होंगे और छपने की प्रक्रिया शुरू होगी और आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस बीच में बहुत कुछ बदल गया और आपकी किताब को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि उसमें कुछ पिछले कुछ महीनों की जो बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं वो उसमें नहीं इंक्लूडेड है क्योंकि आपकी किताब लिखते समय वो नहीं हुई थी वो घटनाएं, जैसे महाराष्ट्र में सरकार का परिवर्तन, नीतीश कुमार का जय परिवर्तन, TRS एक रीजनल पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, समाजवादी पार्टी में कुछ आगे उलटफेर की संभावना है और आम आदमी पार्टी जिसे आप वास्तव में क्षेत्रीय दल तो नहीं कह सकते लेकिन वह राष्ट्रीय दल बनने की ओर अग्रसर है जो कि आमतौर पर रीजनल पार्टी से नहीं देखा जाता। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की किताब कभी कंप्लीट हो सकती है या ये एक ऐसा विषय है जिसपे एक सीक्वेंस फिर दूसरा सीक्वेंस फिर 2024 आता है फिर तो हो सकता है तीसरा सीक्वेंस चाहिए इसका? बिल्कुल सही है भाई, कि होता क्या है ये किताब ऐसी है कि हर 6 महीने में इसमें कुछ ना कुछ अपडेट होते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में कि वो उसकी वजह से बिहार में NDA बहुत मजबूत है, लेकिन नीतीश कुमार के एक कदम ने एक झटके में धड़ाम से पूरा वहां बिहार की राजनीति का सेंसेक्स बदल दिया। सेंसेक्स इसीलिए उसका नाम दिया गया जो उतार चढ़ाव है। अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में किताब का शीर्षक अगर करना हो तो मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन सेंसेक्स जब लिख रहा हूँ तो सेंसेक्स एक भाषा ऐसी है जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और शेयरों में बड़ा रुचि लेते रहते हैं, तो जो शेयर वाले लोग हैं वो जानते हैं, शेयर में रुचि लेने वाले लोग जानते हैं
कि सेंसेक्स कैसे ऊपर नीचे होता रहता है, और जरा सी एक घटना, जरा सा देश विदेश में विश्व में कुछ होता है तो उसका असर पूरा होता है। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल खेल में भी उस सेंसेक्स का बड़ा असर होता है। और जैसे आम आदमी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी या इस किताब में भी कहें तो हमने जानबूझ करके, जैसे आपको बताया मैंने कि 8 राष्ट्रीय दल है, तो 8 राष्ट्रीय दलों में बसपा भी है, लेकिन बसपा का प्रभाव राष्ट्रीय नहीं है, उसका क्षेत्रीय रह गया। तो मैंने उसको क्षेत्रीय, उसको कमतर नहीं आंकना था हमारा उद्देश्य, लेकिन उसको रखा इसलिए क्षेत्र के हिसाब में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का जितना बड़ा योगदान, या पिछले चुनावों में भाजपा की जितनी बड़ी जीत है उसमें बसपा ने किस तरीके की गतिविधियां की है, उससे साबित होता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी थी जो दो जगह जिसकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, जब तक किताब लिखी जा रही थी तो पंजाब का चल रहा था और उसका उल्लेख भी उसमें है, लेकिन उसकी जो गतिविधि, निगाहें, उसकी निगाहें मैं नहीं मानता हूँ कि उसकी निगाह सिर्फ अभी 23 में या अभी अंत में इस वर्ष के अंत में गुजरात के चुनाव पर है, उसकी निगाहें 24 के चुनाव पर भी हैं, उससे ज्यादा 24 से ज्यादा 29 के चुनाव पर होंगी। तो उसकी रणनीति जितनी है वो राष्ट्रीय दलों की है, और राष्ट्रीय दल की मान्यता पाने के लिए जो नियम कानून है कि 6% 4 राज्यों में वोट होना चाहिए, वो हो या 4 लोकसभा के सीटें हो, तो अभी नहीं है वो उनकी, लेकिन कोशिश उनकी उसी तरफ है और उसी कोशिश में लगातार वो लगे हैं। केजरीवाल कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं ये एक अलग सवाल है। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो जिसने बहुत कुछ, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर रोकने की कोशिश होती तो रुक भी सकती थी, ये कि आप केजरीवाल के बारे में कितना लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। अब जो है पार्टी इतनी ज्यादा संवेदनशील हो गई है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, कि आपने अगर उनके खिलाफ जरा सा भी लिखा तो आप उनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसे धड़ से काट दिए जाते हैं। और यही नहीं होता कि कॉन्टैक्ट लिस्ट से काट दिए जाए, बल्कि आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे और वो आपको फौरन अपना विरोधी करार कर देंगे। देखिए आपने टीवी में तो आम आदमी पार्टी की बुराई की थी, आम आदमी पार्टी के इस कदम की बुराई की थी कि साहब ये सुकेश ने, अभी सुकेश ने आरोप लगाया है कि 50 करोड़ रुपया आम आदमी ने ले लिया। तो आपने इस वजह से आपने ये बात कह दी है तो आपके लिए कट जाएंगे आप, चाहे हम उसको कितना भी कहें कितना भी करें। अभी मैं आपको किताब दिखाएंगे भाई बारे, तो वो बात दूसरी, हमने सेंसेक्स में अरविंद केजरीवाल को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन अगर एक बार भी राष्ट्रीय चैनल पर इस तरीके की बात हो गई तो समझ लीजिए कि पूरा हो। तो आप अगर जब काम कर रहे हैं, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, अखबार का एडिटर हूँ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी का, और उसके साथ साथ टीवी में भी जब जाते आते हैं, तो हम, हमारे लिए ये बड़ा भारी सरदर्द रहता है, जो मुश्किल काम होता है, लेकिन क्योंकि पत्रकारीय जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, तो ठीक है, हर धर्म में आपके रिस्क होते हैं, आपको मानना पड़ता है, जो उसके साथ जीना पड़ता है, हम भी उसी साथ से जी रहे हैं, देखें कब तक जी पाते हैं। बस दो सवाल और, एक तो ये कि आज से कुछ दशक पहले क्षेत्रीय दल अपनी कुछ मांगों को लेकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर बनते थे और अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जो बड़े दल हैं वो देखते हैं कि अगर कोई क्षेत्रीय दल बन रहा है, पनप रहा है, तो पनपने दो, एक दिन उसको अपने साथ मिला लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? नहीं, ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये वैसे ही है कि एक व्यवसायी जो है, बड़ा एंटरप्रेन्योर जो है, जब एक अपनी कंपनी खड़ी करता है और उसकी भी निगाह होती है कि वो कंपनी खड़ी करने देते हैं हम, और फिर बाद में उस कंपनी को हम बेच देंगे। क्षेत्रीय दलों में कुछ दल ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, बाद में वो उस तरह दे देंगे। आज क्षेत्रीय दल, पहले जो क्षेत्रीय दल होते थे क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर के बनते थे। मैं इसमें समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय दल की तरीके से उस सिर्फ जाति पर बनने वाले दल नहीं मानता हूँ। लोग जितने क्षेत्रीय दल बनते हैं किस पे बनते हैं? क्षेत्रीय दल धर्म पे बनते हैं, क्षेत्र पे, क्षेत्रीय अस्मिता पे बनते हैं, जाति को लेकर के बनते हैं। आप आजादी से पहले दो रीजनल पार्टी, अकाली दल और नेशनल कांग्रेस, दोनों एरिया को लेकर के, और धार्मिक भी उसमें उठा, वो उससे बने हैं। लेकिन अभी हाल में जो केसीआर साहब हैं, टीआरएस के जो वो हैं, वो
क्षेत्रीय अस्पताल बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ की निषाद पार्टी ले लें, महान पार्टी ले लें, बिहार की वीआईपी पार्टी ले लें, ये किस लिए बनी हुई है, किसके नाम पे बनी हुई है? ये जातीय अस्मिता को लेकर के बनी हुई है। और जातीय अस्मिता की पार्टियों को ज्यादातर और पार्टियां अपने साथ रख लेती हैं, या बहुत हद तक आगे आई तो उनका शेयरों का नाम जैसे ही ऊपर हुआ तो कहना नहीं नहीं मर्ज कर लो, ज्यादा काम अच्छा है, क्यों? क्योंकि देश के हित में वो पार्टी काम कर रही। तो कांग्रेस भी इसी कोशिश में रहती है और भारतीय जनता पार्टी भी रहती है, अन्य दल भी रहते हैं जो बड़े होने की कोशिश में है, और ये एक लगातार सिलसिला चलता रहता है। जाति के आधारित दल जो होते हैं वो सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि आपने जैसे निषाद पार्टी है या और कोई भी होगी वो, तो वो एक एक मुश्त जो है उसके पास वोट आ जाता है और फिर वो बार्गेन करने में ज्यादा समर्थ हो जाता है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, और उसके नाम पर जब कभी भी हो सकता है कि दो तीन लोकसभा की सीटें भी नहीं होती हो, लेकिन बाद में 10 सीटें तक पहुंच जाती है। एनसीपी देश का जो है तथाकथित राष्ट्रीय दल है, लेकिन उसका उसकी पहचान कहाँ तक है? उसकी पहचान जो है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित रह जाती है कुल मिलाकर के, जबकि उनके लोकसभा सांसदों की अधिकतम स्थिति जो अच्छी गई है 9-10 के आसपास गई है, समाजवादी पार्टी उससे उलट रही है, तो रीजनल पार्टी है वो उससे उलट रही है, या और रीजनल पार्टीज हैं, द्रुमुख है, बाकी टीएमसी है, ये सब रीजनल पार्टीज अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय दल ही नहीं है बल्कि बहुत बड़े दल है और उनके बिना राजनीति बिल्कुल संभव नहीं हो पाती है। और इस मामले में कांग्रेस की नीतियां या कांग्रेस की जो उनको लग रहा था तत्काल नीतियां ऐसी रही जिससे उसकी जमीन तो गई गई और बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ा बल मिला, बड़े तरीके से वो आगे बढ़ती चलेंगी। जी, आपने इसमें राज्यवाद क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में लिखा है कि वो कब बनी, कैसे बनी, और यहाँ तक कि क्यों बनी, उसका आधार क्या था, जाति, क्षेत्र, नौकरी दिलवाना वगैरह वगैरह। और उसमें आपने ये भी उल्लेख किया है कि किस तरह से तमाम सारी पार्टियाँ धीरे धीरे करके अस्त हो गई या अस्त होने के रास्ते पर चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की पार्टियाँ जिनको आप मानते हैं कि वो अस्त हो रही हैं, उन पार्टियों को तो ऐसा नहीं लगता होगा कि वो अस्त हो रही हैं, तो क्या इस तरह के लेखन में आप कभी भी ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं या आपको ऑब्जेक्टिव माना जाएगा कि आपने बिल्कुल इम्पार्शियल होकर लिखा है? देखिए, माना तो नहीं जाएगा, ये बात सही है। वो हमेशा एक दूसरा आदमी, एक दूसरा दल, एक दूसरा नेता आपको ये मानेगा, कह रहे ये तो इनके लिए कर ले, हम आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप उनको सिर्फ और उनके लिए पैदा हो, ये ज्यादा बड़ी बात है। आप उनके पॉइंट को, उनकी अच्छाइयों को बढ़ाते रहे, उनके निगेटिव पॉइंट को इग्नोर करते रहे, ये सबसे अच्छा है। और ये दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए शायद सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण दुर्भाग्य है ये कि इस मामले में मतलब आपको ब्रांडेड होना ही होना पड़ेगा, तो ये स्थितियां जो है बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अखबार है, अखबारों का भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो हालत हुई है उसकी वजह से मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी व्यापारिक संस्थान है कि वो लाभ हानि के बिना उनको सोच ही नहीं पाते। तो अब भी इसीलिए आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पे जो काम होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, न्यू बिजनेस पे जो काम होगा वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और उसकी उस पर उसको ये हो सकता है कि क्योंकि उसकी जब उसकी ब्रांडिंग होगी न्यू मीडिया की या सोशल मीडिया में पर्टिकुलर चैनल की, तो वो उसके काम के आधार पर होगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बनस्पत उसकी कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या न्यूज चैनल के अखबारों में भी आप ये देखिए, आप समझते हैं कि अगर इंडियन एक्सप्रेस में छप रहा है तो आप उसको कैसे मानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में कैसे छप रहा है तो आप कैसे मानते हो, हिंदुस्तान टाइम्स में छप रहा है तो कैसे मानते हैं। रीजनल जर्नलिज्म में भी ये सब चीजें बहुत सारी होती है, एक अखबारों को लेकर के भी होती है, उसी ब्रांडिंग हो जाती है, और कई अखबार तो नेताओं ने खुद फंड करके कराए हैं, चलाए हैं, चला रहे हैं, साउथ में
बहुत ही भयंकर तरीके से काम होता है इस मामले पे, और इसको अगर यहाँ आ गया तो फिर तो और बुरी हालत हो जाएगी। तो एक संपादक होने के नाते आपको क्या लगता है, आप कब तक ब्रांडेड हो जाएंगे? कब तक ब्रांडेड हो जाएंगे? मैं अब तक मतलब अब खाक मुसम्मा होंगे, अब तक नहीं जब किया तो अब खाक मुसम्मा होंगे, तो इसलिए हम उस प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहते। जब तक लिख रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब तक बोल सकते हैं, जब तक लिख सकते हैं, जब तक लिखने की एक क्षमता मिली हुई है, और जब तक अखबार और अखबार के प्रबंधन से या बाकी और जगह हमें सहूलियत मिली हुई है, तब तक कर रहे हैं, तब तक करते ही रहेंगे। किताब को लिखने में आपने तमाम सारे राजनीतिक लोगों से भी बात की होगी, नेताओं वगैरह से, आपने किसी का उल्लेख क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा है कि क्योंकि जो अंदर खाते चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा उल्लेखित नहीं की जा सकती है। सहयोग लिया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, आपसे बातचीत की और सब लोगों से, यहाँ पर राजेश्वर जी है उनसे बातचीत की गई, ये सब बातचीत करने के बाद ही वो जो कुछ है वो लिखा गया। या जैसे मायावती के बारे में है, तो मायावती का जो रूप हमने पहले कार्यकाल का देखा वो एक अलग था कि सलवार सूट में वो कपड़े का लाल फूल लगाया करती थी, शरद को आप सबको याद होगा, लाल फूल कपड़े का, जो 84 से 90 तक के बीच के दौर में थी वो उस तरीके की थी। इवन 96-96 मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी है तो जलंधर जब आई है, तो क्योंकि वहां की परंपरा है कि एडिटर से मिला जाता है और तो किया जाता है, तो ये 93-95 बात नहीं है, मेरे ख्याल से 2001-02 की बात है, तो भी वो तब तक वो इतनी सोफिस्टिकेटेड हो चुकी थी कि फूल लाल फूल की जगह शहनाज हुसैन की उनकी ब्रांडिंग आ गई थी, और वो महिला पत्रकारों को या बाकी और लोगों को, हम लोग जब वो महिला पत्रकार बताती हैं कि हम लोग जब बात करते थे तो कहते थे तुम पानी नहीं पीती, नहीं पानी मत पिया करो, नारियल का पानी पिया करो, इससे चेहरा ग्लो होता है। तो आप सोचिए मायावती जो है वो दिखाने के लिए बताने के लिए इस तरीके की चीजें भी करती थी, तो किसे मुझे थोड़ी मायावती कहेंगे कि आप नारियल पानी पिया करो कि आपका चेहरा ग्लो होगा, वो तय है कि वो, और जो महिला पत्रकार थी जब मैंने उनसे बातचीत की तो वो एक वो लेख के तौर पर होता है, उसी तरीके से मुलायम सिंह की दोस्ती को लेकर के बहुत सारे अब चले गए हैं वो, तो उनकी नीति बाकी चीजें कैसी थी क्या थी एक अलग सवाल है, और उस पर लोग खूब निंदा करते रहे और उन्होंने निंदा स्वीकारी भी, ऐसा नहीं कि नहीं स्वीकार, मुलायम सिंह यादव तक वो निंदा स्वीकार करते भी थे, लेकिन ये भी सच है कि मुलायम सिंह व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों को मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे कार्यकर्ताओं से, अब अच्छा बुरा कहता है वो एक परसेप्शन, बड़ा परसेप्शन होता है। तो आखिरी सवाल, अगली किताब निफ्टी नेशनल पार्टीज का? देखिए अगली किताब मतलब अगर आप और कड़ा सवाल करना चाहते तो ये भी आप कह सकते थे कि पहली जो आपने किताब लिखी थी वो मोदी 2.0 जो इलेक्शन से संबंधित थी, तीन हो जाएगी, लेकिन अभी एक क्योंकि कोरोना काल ने बहुत सारा समय दे दिया था बीच के दौर पर, मैंने किताब की है वो है लिबरलाइजेशन पोस्ट लिबरलाइजेशन आंदोलन की क्या स्थिति रही है, आंदोलनी जो आंदोलन देश में रहे हैं पिछले 90 के बाद से जब लिबरलाइजेशन हुआ है आंदोलन कैसे रहे हैं और क्या हालत बुरी रही है और क्यों रही है क्या कारण रहे हैं वो उस पर। मुझे लगता है आपको ये सस्पेंस खोलना नहीं चाहिए था, नहीं कोई नहीं, क्योंकि प्रिंट में है वो, तो आज नहीं कल तो खुल ही जाना है, और छिपा के क्या क्या रखेंगे और क्यों रखेंगे हम। चलिए जैसे ये छुपा हुआ है कि आप किससे जुड़े हैं वैसे ही ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है कि इनकी ये किताब जितनी टॉपिकल है और उतनी ही आसान स्टाइल में लिखी गई है, और उसको पढ़ के बिल्कुल लगता है कि चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी किताब को और ज़्यादा पढ़ा जाए, ऑलरेडी वो एक अपने लेवल की बेस्ट सेलर बन चुकी है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम आपके आगे आने वाली किताबों का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रतन भाई आपका, आप सब लोगों का, आप सब जो दोस्त आए हैं हमारे, थैंक यू सो मच, सब बैठे हुए हैं सबका, मेरे परिवार वाले जो बड़ी मुश्किल से सब अपना दूर दूर से आए हुए हैं उन सबका आभार, और नागेन है प्रदीप श्रीवास्तव जिनसे मैं 40 साल बाद मिल रहा हूँ, वीरे सक्सेना जी सब लोग जानते हैं, विजय आचार्य हैं, रवि भट्ट जिनकी वजह से मैं यहाँ
दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जर्नलिज्म पे इतनी इंसाइट्स दिए, और इनकी बुक बाहर यूनिवर्सल बुक सेलर्स के स्टॉल पे गंगा लॉन्स में भी अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे साथी, मेरे पास कुछ किताबें जिसमें मैं चाहूंगा शरद, रवि, वीके, सत्यना और सोना भाई आए और इस किताब का एक लखनऊ का विमोचन करें। अरे वाह, क्या बात, बिल्कुल भी नॉन स्टेट। मैं एक सवाल पूछना चाहता था। सवाल आ जाइए, फिर कर लेंगे। आइए आइए, आप सवाल कर ही लेंगे। आइए आइए, प्लीज आओ। आइए, आ जाइए, आओ ना सर। ये मैं हमारे आपका सब प्लीज सब ऊपर आ जाइए जिनका भी इन्होंने नाम लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास किताबें कम थी तो फिलहाल जितनी है उतने ही लोगों को। भैया नीचे हो जाइएगा। फोटो खींचो, बाहर फोटो खींचे।